बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को राजधानी पटना स्थित शास्त्री नगर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के पहले निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी। सरकार ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। मंत्री ने बताया कि जिन कर्मियों को टीका लगाना है उनके लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर उन्हें टीकाकरण की सूचनाएं भी दी जाएगी। शनिवार को देशव्यापी चल रहे कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन के लिए बिहार के 3 जिलों का चयन किया गया। पटना, जमुई और पश्चिम चंपारण के बेतिया में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शास्त्री नगर स्थित अस्पताल में जायजा लेने पहुंचे। वहां पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्व का दिवस है। पूरा दुनिया, देश और अपना राज्य पिछले 9 महीने से कोरोना से बहुत परेशान था, चुनौतियों से जूझ रहा था। एक संकट का समय था और हम लोग अब उस संकट और चुनौती से बाहर निकलने के मुहाने पे आके खड़े हैं और कोरोना का टीका अब बहुत शीघ्र हम लोगों के बीच उपलब्ध होने वाला है। भारत सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं और आज देश के सभी राज्यों में ये ड्राई रन या मॉक ड्रिल कह लीजिए, ये ड्राई रन हो रहा है, जिसमें इस बात को देखा जा रहा है कि विभाग ने पूरी तरीके से टीकाकरण की संपूर्ण तैयारी कर ली और आज उसका परीक्षण हो रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक व्यक्ति टीका लेने आएगा तो कैसे पहले उसका सैनिटाइजेशन होगा, सैनिटाइज होगा, फिर थर्मल स्कैनिंग होगा, फिर उसके बाद उसका आईडी प्रूफ जांच होगा, उसके बाद वो टीकाकरण कक्ष में वो व्यक्ति जाएगा, फिर टीका देने के बाद जाके सूचित करेगा कि मेरा टीकाकरण हो गया, उसके बाद फिर वेटिंग लॉन्ज में जाएगा, वहाँ 30 मिनट रहेगा और डॉक्टर्स जब 30 मिनट तक देखेंगे कि वो मरीज, वो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, कोई कठिनाई परेशानी नहीं है, उसके बाद वो फिर घर की ओर जा सकेगा। तो इसकी पूरी तैयारी की गई है, आप सब लोगों ने भी देखा है और आज राज्य के 3 स्थानों पर, मतलब 3 शहरों में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, पटना, बेतिया और जमुई, और पट्टा में भी 3 स्थानों पे हुआ है। आपने इंस्पेक्शन किया, किस तरह रहा सफल ये? नहीं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो भारत सरकार के दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है और जैसे ही टीका उपलब्ध होगा हम टीका देने का काम शुरू कर देंगे। व्यक्तियों से बात हुई जो यहाँ पर टीका लेने का काम, आज आप सब लोग महसूस कर रहे हैं? नहीं, आज आप सब लोग के ध्यान में होगा कि पहले जो टीकाकरण का काम है वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा और उसके बाद फिर 50 साल से जो ऊपर के लोग होंगे उनको दिया जाएगा। तो भारत सरकार से जैसे जैसे डायरेक्शंस, गाइडलाइंस मिलेंगे उसके अनुसार हम लोग ये वैक्सीनेशन का काम करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को देना है और स्वास्थ्य कर्मियों की सूची बनके तैयार हो गई है, उनका डेटाबेस तैयार हो गया है, जो प्राइवेट संस्थानों में भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे भी वो सूची मांगी गई है और राज्य सरकार का पूरा तैयार होके रखा हुआ है। तो जैसे ही टीका उपलब्ध होगा हम पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों को मोबाइल पे मैसेज देंगे और मैसेज देके उनको बताया जाएगा कि किस केंद्र पे आपका टीकाकरण होना है और टीका पड़ने के बाद भी उनको मोबाइल पे ये सूचित किया जाता है कि आपका टीकाकरण का कार्य संपन्न हो गया। तो सब कुछ बहुत साइंटिफिक तरीके से सिस्टम को बनाया गया है जी, और हम लोग पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो क्या केंद्र को कैसे उस ये सारा जो विषय है केंद्र के ध्यान में है और संपूर्ण देश के लिए जो भी नीति बनेगी वो एक जैसी नीति बनेगी, तो जो नीति बनेगी उसको बिहार भी फॉलो करेगा। सर, क्या लग रहा है कि जैसे अभी 25 लोगों का मॉक ड्रिल हो रहा है एक सेंटर पे, तो जब ये बड़े पैमाने पर होगा तो फिर उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से टीके की उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम योजना बना लेंगे। तो फिर उसमें किस तरह का